उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर के अंदर हुक्का और शराब पी जा रही थी। पुलिस ने मौके पर छापा मारकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें टीचर और छात्र शामिल हैं। पुलिस ने मौके से हुक्का, शराब की बोतलें और धूम्रपान की चीजें बरामद की। यहां सुबह कोचिंग चलती थी और शाम को हुक्का बार चलता था। जानकारी के मुताबिक भूतनाथ पार्किंग के पास सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले रोमित श्रीवास्तव ने किराए पर एक सेंटर लिया था। इसमें उसने 1729 कोचिंग सेंटर नाम से इंस्टीट्यूट खोला था, जो कि शाम को हुक्का बार बन जाता था। एसीपी विजय राज सिंह के मुताबिक यहां पर दिन में कोचिंग चलती थी और शाम को क्लास चलने के बाद यह टीचर व संचालक हुक्का बार चलाने लगते थे। इस दौरान छात्र छात्राएं भी मौके पर पहुंच जाते थे। कोचिंग का बोर्ड लगा होने की वजह से किसी को शक भी नहीं होता था। घटना के दिन कोचिंग सेंटर से एक युवती लड़खड़ाते हुए बाहर निकली, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। महिला सिपाही की मदद से एसीपी गाजीपुर ने उस कोचिंग सेंटर पर छापा मारा और उस महिला के घर वालों को बुलाया गया। पता चला कि वह कोचिंग गई थी, जहां पर पुलिस ने छापा मारकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। कोचिंग संचालक रोमित छात्र छात्राओं को शाम को हुक्का बार में बुलाता था। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।